फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखने। मेरे साथ है आलू और भी बाकी लोग हैं, मैं आप लोग को उनसे मिलवाऊंगी। तो फिर हम चलते हैं द कश्मीर फाइल्स देखने और मैं आपको बताती हूँ उसका रिव्यू कैसा है, वो कैसी मूवी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग अब जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को अभी हैदराबाद हुआ है और हम लोग वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकले, क्या कुछ खाने पे निकले हैं। तो हमने भी इंटरवल तक ही मूवी देखी है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जो लास्ट अभी इंटरवल का जो सीन था, हम सब लोग रो पड़े थे उस टाइम पे। एकदम अजीब सा फील हो रहा था। वो जो सीन था ना वहाँ पे, जो पेड़ों पे लोगों को लटकाया गया था, बहुत ही अजीब था। एकदम दिमाग घूम गया था उसको देखकर। तो वहाँ जो लोग रहे होंगे जिन्होंने ये फील किया होगा, तो सोचो वो लोग के साथ कैसा हुआ होगा, उन लोगों ने क्या क्या फील किया होगा, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग बस सोच सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो सब वही लोग जानेंगे कि उनके साथ हुआ क्या था आखिर। तो बाकी की मैं आपको जो भी चीज़ रहेगी मैं आपको बताऊँगी। बाय। तमाम मॉडरेट मुस्लिमों को भी मारते हैं। यही नहीं, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, डोगरा, गुज्जर, दलित, जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें मार दिया गया। यहां तक कि अरे यार कश्मीर की सोल तक को मार दिया गया। थिएटर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं है, ये मौजी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं अभी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, उसका कोई एंड नहीं था मूवी का कि उसके बाद क्या हुआ या कुछ भी। मैं आपको पूरी मूवी नहीं बताऊंगी, मैंने आपका मूवी का तो पूरा मजा करके रहा हो जाएगा कैसा क्या था करके। पर हम लोगों ने जो फील किया वहाँ पे जाके, सब लिटरली हम लोग सब लोग रोने लगे। जो वहाँ पे देखा गया मूवी में, वहाँ पे लोगों के साथ जो हुआ वो हम तो फील नहीं कर सकते ना, लेकिन उस चीज़ को देख के हम इतना डर गए थे। तो वहाँ पे जो हुआ होगा उन लोगों को कैसा फील हुआ होगा, तो मैं अपने फ्रेंड लोग से पूछती हूँ उनका रिव्यू क्या है, वो भी आपको बताएंगे। अभी पूजा बताएगी कैसा रिव्यू था। ये मेरी सिस्टर है पूजा। हाय गाइस, सो मूवी वाज रियली ऑसम, मतलब अच्छी मूवी थी और एक्चुअली बहुत इमोशनल थी। एंड हम लोगों को पता चला एटलीस्ट कि कश्मीर में हुआ क्या था, वो सब अब बहुत अच्छी। अच्छा, हाय गाइस, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली मूवी बहुत ज़्यादा ऑसम थी। वी ऑल नो दैट कि कश्मीरी पंडित सीरियसली वहाँ पे ऐसे पूरे फंसे हुए थे एंड उनको नीड थी कि उनका कोई सपोर्ट करे आगे। सो और मूवी वॉज सो ऑसम, लाइक एंड नहीं था उसका, आई लव इट। तो काफ़ी फ्रेंड्स आए थे लेकिन बाकी लोगों को जाना पड़ गया, एक्चुअली उनके घर से कॉल आ गया था, उनको लेट हो रहा था इसलिए। बाकी अभी आलू भी हमारे साथ है, मेरा एक भाई भी था वो भी चला गया। अब हम आलू से पूछते हैं कि वो बताएगा कैसा था। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी इसके बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट जाके मूवी ज़रूर में ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक दिस, शेयर एंड कम ऑन। अब हम आलू से पूछते हैं कैसा क्या था, उसको कैसी लगी मूवी, क्योंकि वही हम लोग को लेके आया था मूवी दिखाने के लिए। हम लोग क्या था ना, आने वाले थे लेकिन थोड़ा टाइम बाद आने वाले थे कि हम लोग को टाइम मिलेगा हम तब जाएंगे, लेकिन आलू ने हमको फोर्स किया कि प्लीज़ दीदी मूवी चलो बहुत अच्छी है मूवी करके। तो वो भी उससे भी हम रिव्यू लेते हैं, वो बताता है, आप सुनना। यार कुछ बताने लायक भी तो ना उसमें से इतना है कि जाके मूवी को देखो, सच में यार रोने लग गया था। जाके मूवी जरूर देखो और प्लीज हमें रिव्यू जरूर देना इस चैनल के ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय गाइस, लिंक का सोच के मत देखना, सिर्फ इंसान के नाम से अगर मूवी देखे ना, कोई भी जाए, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाए, सच में रोने लग जाएगा इंसान अगर मूवी देख लिया एक बार। बहुत अच्छी मूवी है सच में। फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ चुके हैं। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार जाके इस मूवी को ज़रूर देखना। ये विवेक सर की मूवी एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि इस मूवी में ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो रियलिटी पे बेस्ड हैं। जो वहाँ पे जैसा हुआ था, जैसा उनके साथ किया गया, जो भी चीज़ें हुई पूरा उन्होंने दिखाया है वहाँ पर। हम लोग अगर देखते नहीं तो पता नहीं चलता कि ऐसी भी चीज़ें हुई थी, हमने सिर्फ न्यूज़ सुनी थी। बट ये देखना बनता है इस मूवी में, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो लोग फंस गए थे वहाँ जाके, मतलब वहां रह के कैसे फंस गए थे। अपना घर छोड़ना, अपनी जमीनें, अपना पूरा परिवार, अपने सामने अपने घर वालों को मरते देखना, मतलब हम सोचते हैं ना अभी कि मतलब हमारे घर पे किसी को चोट लगती तो हमको अच्छा नहीं लगता है, रोने लगते हैं, दर्द होने लगता है हमें भी यार कि उसे चोट लग गई है करके।
अपने ही परिवार के सामने किसी को मारा जाना, मतलब मार दिया जाना कैसा फील होता है ये तो वही लोग जान पाएंगे, हम लोग नहीं समझ सकते इस चीज को, हम फील नहीं कर सकते हैं, बस सोच सकते हैं। फील तो सिर्फ उन्होंने ही किया होगा जिनके ऊपर ये बीती है। और सच बात है, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी, जब मेरी दादी थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाया करती थी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि कैसे वो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, कैसे मेरे दादाजी मेरी दादी जी उनकी फैमिली अपना घर अपना परिवार अपना सामान अपनी जमीन अपनी जायदाद अपना पूरा दुकान वकान छोड़ के वापस वहां से मतलब इंडिया आए वहां से, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया आने में, कैसे ट्रेनों में लोगों को मार दिया जाता था, कैसे रास्तों पर मार दिया जाता था, कैसे वो लोग रहे, कैसे वो मतलब कैंप्स में रहे, कैसे वो लोग वापस घर तक पहुंचे, यहाँ तक इंडिया तक पहुंचे, यहाँ पे भी आने पर उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपना, कैसे घर बनाया, कैसे अपनी दुनिया दोबारा बसाई। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है यार, अगर हमें थोड़ी सी भी अभी कुछ काम करते हैं तो उसमें हल्का सा होता है ना फील कि नहीं यार ये क्या बोलते हैं कैसे होगा, मैं आगे कैसे काम करूंगा, तो हम छोटी चीजों में इतना डर जाते हैं। उनका तो जिंदगी भर का सवाल हो गया था, वो कैसे रह रहे थे, वो कैसे डर में जिंदगी अपनी काट रहे थे, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। और भगवान करे कि वहाँ की जो स्थिति है वो एकदम मतलब नॉर्मल हो जाए पूरी तरीके से, हर एक चीज में नॉर्मल हो जाए। स्वर्ग है यार वो इंडिया का, बहुत सुंदर जगह है, मतलब हम सोच नहीं सकते वहाँ पे ऐसे इंसानियत मर चुकी थी, ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई थी, एक इंसान इंसान को मार रहा था, दिल मतलब गवाही कैसे देता है किसी को मारने पे। बाकी आप लोग मूवी देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि मैंने क्या फील किया है, क्योंकि आप लोग भी वही फील करेंगे, आप लोग भी फिर वही सोचेंगे। बनता है एक बार मूवी देखना ये वाली, तो प्लीज आप एक बार जाके जरूर देखिए मूवी, ठीक है, थैंक यू।